हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर Y24/7। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्लैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जो क्या रिलीज करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्वेट, ऑयल, लाइक हीट। अभी हम ग्लैंड्स के टाइप पढ़ेंगे, इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, एन ऑर्गन दैट सीक्रेट्स मैनी सब्सटेंस। शब्द को देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्सो मतलब जो बाहर होती है, एंडो मतलब जो अंदर होती है। ऐसा नहीं है बच्चों, एक्सो और एंडो दोनों ही ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, बट कुछ के सीक्रेशंस डायरेक्ट ब्लड में होते हैं बॉडी के अंदर, और कुछ सीक्रेशंस ऐसे होते हैं जो बाहर आते हैं। उस अकॉर्डिंग इनका नाम एंडो, एक्सो और हेट्रो। हेट्रोक्राइन वो ग्लैंड है जो एंडो प्लस एक्सो दोनों का मिक्सअप रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं और एंजाइम्स भी रिलीज करती हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो क्या सीक्रेट्स करती हैं? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स सीक्रेट्स करती हैं, और एंजाइम्स के साथ यानी कि इनको कभी भी अपना सीक्रेशन ब्लड में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करती है? सिर्फ एंजाइम रिलीज करती है, और एंजाइम कभी भी ब्लड के टच में नहीं होता। जैसे कि मैं कुछ एंजाइम्स के नाम बताऊँ, लाइसोजाइम एंजाइम जो आपकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, आपके टीयर्स में प्रेजेंट होता है, और अगर मैं बताऊँ आपको स्वेट, कभी भी ऐसा होता है ब्लड के साथ झाड़, तो जो चीजें ब्लड के साथ टच में नहीं है वो भी एक्सोक्राइन का सीक्रेशन है, और ये क्या है? एंजाइम। और इसके लिए क्या जरूरत होती है? विद डक्ट। इन्हें ऐसा भी कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड विद डक्ट। डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ से जो सीक्रेशन बाहर आएगा वो ट्यूब से बाहर आता है, डायरेक्ट नहीं ब्लड में डाला जाता। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि क्या रिलीज करती है? हार्मोन्स। हार्मोन्स हम आपको बता रहे हैं केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करेंगे, ब्लड में डायरेक्ट डाले जाते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ब्लड में डायरेक्ट डाले जाते हैं, और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है तो ये हार्मोन भी जहाँ जरूरत है वहाँ पूरी बॉडी में काम करते हैं, तो इन्हें यहाँ पर ट्यूब की जरूरत नहीं पड़े। तो ये क्या है? विदाउट डक्ट या डक्टलेस कहते हैं इंग्लैंड। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिप्रेजेंट करती है? मिक्सअप ऑफ एंडो एंड एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड
एक बार आप इसे देख लीजिए। आई होप आप समझ पाएंगे व्हाट इज ग्लैंड्स एंड टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। अभी हम इन ग्लैंड्स में कौन कौन से टाइप्स हैं उनको समझेंगे। तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ बच्चों। एंजाइम्स और विद डक्ट होती है। पहचान आपको मैंने बता दिया है, ब्लड से कॉन्टेक्ट में नहीं रहती, ब्लड के साथ नहीं मिलती। तो इनका जो सीक्रेशन है उस अकॉर्डिंग एक्सोक्राइन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन यहाँ इसे इस तरीके से बना लेते हैं। नीरोक्राइन, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ऐसा नहीं बहुत है, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल एक एक बता रही हूँ। सेलिवरी हो गया, एपोक्राइन मेमोरी क्रिएट हो गया, होलोक्राइन जो है आपका ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड। अब हम एंडोक्राइन के टाइप पढ़ेंगे। एंडोक्राइन हाइपोथैलेमस, पीन्यूटरी, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, एस्ट्रेस एंड ओवरी। ये सब जो नाम मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड के लिखे हैं वो आपके अप टू लो जा रहे हैं, यानी कि यहां से ग्लैंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, की आपके यहाँ से यहाँ लास्ट तक जा रहे हैं। आप तो रो है इसी सीक्वेंस में आपको याद करें। हेटरोक्राइन ग्लैंड मिक्सअप ऑफ एंडो एंड एक्सो। तो यहाँ पर आपके जो एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जो ऐसे ग्लैंड है जो एंडो जैसा बिहेव कर रही है और एक्सो जैसा, पैंक्रियास और आपके गोनड्स, गोनड्स आपके टेस्टिस एंड ओवरी। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। एक्सोक्राइन जो क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम जो ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे उनके टाइप्स हैं नीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। एंडोक्राइन जो क्या रिलीज करेंगी, क्या सीक्रेट करेंगी, हार्मोन्स, और हार्मोन्स तो ब्लड के साथ ही आते हैं कॉन्टेक्ट में। ये आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, पैराथायरॉइड, थायराइड, थायमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी। हेटरोक्राइन जो एंडो और एक्सो दोनों जैसा बिहेव शो करें, पैंक्रियाज एंड टेस्टिस एंड ओवरी। अब हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक बार आप इसे देख लीजिए। Thank you.
अब हम करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हिंदी में बोले तो बहिस्रावी ग्रंथियां। बच्चों आपको कुछ टर्म्स जो है वो इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम टर्म्स आपको इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में हिंदी वर्ड्स बहुत ज्यादा टिपिकल साउंड करते हैं, इसीलिए आपको मैक्सिमम टर्म्स, अगर ये बच्चे यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो हिंदी में याद करने का कम से कम ट्राई कीजिए, सारी जो टर्म्स है टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में याद करने का, और एनसीईआरटी वाले बच्चे तो इंग्लिश से ही पढ़ते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि अपना क्या करेगी, सीक्रेशन ट्यूब के साथ यानी विद डक्ट, और इनका नेम क्या है, एक्सोक्राइन क्या रिलीज करती है, एंजाइम्स विद डक्ट। आपको ये कीवर्ड्स तो भूलने ही नहीं है, अगर ये कीवर्ड्स याद रहेंगे तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे, वरना तो एंडो और एक्सो मिक्स कर देंगे। सबसे पहले अगर आप सोचिए सलाइवा, सलाइवा कहाँ, सलीवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं ना, सलीवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, सलाइवा। सलाइवा में कौन से एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन भी स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपके माउथ से, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो रिलीज करती है उन एंजाइम्स। एक तरीके से ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी होता है, फूड में आए हुए जो जर्म्स होते हैं उन्हें क्लीन करने का काम करता है। सेकेंड हम बात करें हमारे लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड देखिए बच्चों ये हम बात कर रहे हैं आईज की, हमारी आईज के जो अपर साइड होती है वो जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी लैक्राइमल, और लोअर साइड जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो आपकी होती है मेगोनियम ग्लैंड। लैक्राइमल ये क्या रिलीज करती है, आपके टीयर्स, टीयर्स जो आपके आंसू आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपकी लैक्राइमल ग्लैंड से आते हैं, और उनमें कौन से एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, ये भी एंटीबैक्टीरियल होते हैं, यानी कि आपके आंसू भी किसको क्लीन करने का काम करते हैं, जर्म्स, और आपकी आईज में ये आपके टीयर्स स्टोर कहाँ होते हैं, जैसे ही आपको थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है, आपको से आंसू आने लग जाते हैं, ये ऐसे कैसे एकदम से ऐसा होता है, तो बच्चों ये जो आपका कॉर्नर साइड है आपकी नोज के पास जस्ट यहाँ पर, आप कभी आंखों को देखना फ्लैशी पार्ट दिखेगा पिंकिश कलर का, वो जो फ्लैशी पार्ट है उसको आप कह रहे हैं पंक्टम, पंक्टम में आपके टीयर्स स्टोर होते हैं, यानी कि जो टीयर्स है वो रिलीज कहाँ से हो रहे हैं बच्चों, लैक्राइमल ग्लैंड से, और स्टोर कहाँ होते हैं, आपके पंक्टम। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मैं आपके लिए एक आईज बना देती हूँ, और आईज के ऊपर यहाँ आप समझिएगा आपका लैक्राइमल ग्लैंड, यहाँ मैं लैक्राइमल ग्लैंड बता रही हूँ, और यहाँ वो फ्लैशी पार्ट, मैंने ब्लैक बनाया है, मैंने आपको बता दिया है फ्लैशी पार्ट जो होता है वो पिंकिश होता है, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर पिंकिश पार्ट, पंक्टम, और आपकी आईज में नीचे यहाँ भी आपको रेड रेड सा पार्ट दिखाई देता है, यहाँ ऐसे आपको वो ऐसे नीचे करके देखिएगा, तो वो जो पार्ट है उसमें कौन सी ग्लैंड है, मेगोनियम, ये मेगोनियम ग्लैंड का क्या काम है बच्चों, देखिए बच्चों ये ऑयल रिलीज करती है, अब आपकी आईज में आपकी आंखों को नम बनाए रखने का काम ये ग्लैंड करती है, आपकी आईज की प्रोटेक्शन करती है, ऑयल बनाने का काम करती है, मॉइस्चर बनाए रखती है,
अब क्या होता है, आप पूरा दिन आप जानते हैं, आप सब लोग डस्ट पार्टिकल्स भी आते रहते हैं, हालांकि आप मुंह भी बार बार धोते हो फिर भी डस्ट पार्टिकल बाहर बहुत पॉल्यूशन है आ जाता है, धुआं वगैरह लग गया, तो ग्लैंड अपना काम कर रही है, वो अपना सिक्रेशन दे रही है, ऑयल रिलीज कर रही है, तो वो धुआं डस्ट आपकी आंखों में गया, तो ऑयल और धुआं और डस्ट मिल गया। अब जब आप रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपकी आंखों से व्हाइट व्हाइट आता है, बाहर निकालते हैं आंखों से, तो वो जो व्हाइट व्हाइट है वो ही निकालने का, आंखों को क्लीन करने का काम जो होता है वो इसी ग्लैंड के थ्रू है, यानी कि आपकी आंखों में जो ऑयल बनाने का काम कर रहा है वो भी ग्लैंड कर रहा है, और आपकी आंखों में ऑयल के साथ अगर डस्ट धुआं ये भी चला गया है तो वो जो सुबह आईज को क्लीन करते हैं तो वो व्हाइट व्हाइट जो बनता है, जो मड़ी सा चिपचिपा सा पदार्थ जो बनता है वो भी इसकी वजह से होता है। तो ये क्या रिलीज करने का काम करती है, ऑयल। इसके बाद बच्चों, और याद रखिएगा ये दोनों चीजें आपकी आईज से रिलेटेड है, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करें सेरुमिन, आई होप आप सेरुमिन समझ गए होंगे। सेरुमिन आपकी कानों में सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं, वो क्या करते हैं, सेरुमिन वैक्स रिलीज करने का काम करते हैं। जब भी आप कानों को साफ करते हैं तो एक वैक्सी सा पदार्थ बाहर आता है, ये सबके कानों में बनता है, क्यों, क्योंकि सेरुमिनस ग्लैंड क्या बना रही है, वैक्स बनाने का काम कर रही है, और कहां प्रेजेंट होती है, आप इसे सेरुमिनस ग्लैंड लिख लीजिए, और ये कहां प्रेजेंट है आपके ईयर में, क्या बनाएगी, सेरुमिन वैक्स, इसे भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये भी आपने देखा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, उसका एक टेक्निकल नेम है हमारी बायोलॉजी में, सुडोरीफेरस ग्लैंड। अब इनका काम क्या है, क्या रिलीज करेंगे भाई, स्वेट, स्वेट में क्या क्या आता है आपके स्वेट में, क्योंकि आप जानते हैं गर्मियों में स्वेट आता है, हमने अपने कपड़े देखे हों तो डार्क कलर की शर्ट पे व्हाइट व्हाइट कलर का जल जाता है, तो आपकी स्वेट में क्या होते हैं, साल्ट भी होते हैं प्लस एंजाइम्स भी होते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा, सेलिवरी आपके सलाइवा से, लैक्रिमल और मेलोबियन आपकी आई से, सेरुमिनस ईयर से, एंड स्वेट ग्लैंड, आपको स्वेट तो आता ही है सबकी जगह। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका, आगे की जानकारी बच्चों यहाँ देखिए, स्वेट ग्लैंड हम कर चुके हैं, अब आ जाइए ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड का टेक्निकल नेम होता है सेबेशियस ग्लैंड, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सीबम, और ये ऑयल सीक्रेट करने का काम करते हैं। आप सुबह उठते हैं तो कैसा नोज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ऑयल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, जिनकी ऑयली स्किन होगी उन लोगों पर आपको, और वैसे थोड़ा बहुत ऑयल सबसे ही निकलता है, पर किसी के ज्यादा और किसी का कम ऐसा हो सकता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, नाम से पता चल रहा होगा कहाँ प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ सीक्रेट होते हैं, स्टमक में, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, क्या रिलीज करेंगी, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम। इन दोनों का क्या काम है, डाइजेशन के टाइम ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, म्यूकस। बच्चों म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो क्या करता है, पाथ को स्मूथ बनाने का काम करता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना एक तरीके से पूरा खाने को बिल्कुल सलाइवा में बना लिया जाता है, उसके बाद खाने की एक गुद्दी सी बन जाती है, वो स्मूथली आपके इस वाले पाथ से अंदर जा रहा है, तो ये म्यूकस की वजह से। एक आपके रेक्टम, रेक्टम कौन सा पार्ट है आपका डाइजेशन सिस्टम का, जो लार्जेस्ट इंटेस्टाइन के बाद आता है, रेक्टम पार्ट में भी म्यूकस रिलीज होता है, और म्यूकस ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, आपका म्यूकस रिलीज करने का काम करेंगे।
करेंगे वो है आपकी लिवर। इसे आप लिख लीजिए ग्राम लिवर। बाकी सबके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी है पर टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, तो आज आप टेक्निकल टर्म्स भी सीखिए। लीवर क्या है बच्चों? लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड और हम यहाँ इसे किसमें पढ़ रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बच्चों लिवर कहाँ पर होता है, इसका लोकेशन क्या? आपका लिवर आपके राइट साइड में एब्डोमेन कैविटी के ऊपर स्थित है, राइट साइड। अच्छा मैंने आपको बताया कि इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्या है इसमें जानने लायक, ये भी एक ऑर्गन है। तो मैं आपको बताती हूँ, आपके जो लिवर सेल्स है वो सबसे ज्यादा डिवाइड होते हैं और अपने आप को मेंटेन बनाए रखते हैं। तो लिवर में कहीं कोई डैमेज हो भी गया है तो वो डैमेज अपने आप हील हो जाता है, क्योंकि लिवर के सेल्स जो होते हैं वो अपने आप डिवाइड होते हैं और अपनी खुद की हीलिंग करते हैं। तो इसी वजह से लिवर के डैमेज जल्दी ठीक हो जाते हैं। देखिए लिवर में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले आपको लिवर सेल्स जाननी जरूरी है। हेपेटोसाइट्स, साइट्स मतलब सेल और हेपेटिक इज द टेक्निकल नेम ऑफ द लिवर। तो ये क्या है? हेपेटोसाइट सेल्स एंड कूपर सेल्स। ये सेल्स आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं और आपका, मैंने एक लाइन आपको स्टार लाइन बताई है, वो क्या है कि लीवर के सेल्स मैक्सिममली डिवाइड होते हैं और अपना डैमेज खुद से ही कर लेते हैं, मैक्सिमम डिवाइड। These cells divides maximum। तो बच्चों हमारी बॉडी में एक और मेरे दिमाग में स्टार पॉइंट आता है कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहां पे सेल डिवाइड करते ही नहीं है? ऐसा है आपका ब्रेन, जहां पर न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन वो आपके डिवाइड नहीं करते। न्यूरॉन्स एक बार ही बनते हैं और ये बार बार डिवाइड नहीं होते। ये मैंने आपको ब्रेन में भी बताया है कि न्यूरॉन्स बार बार डिवाइड नहीं करते हैं तो हील भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बचपन में कभी आपको सर पे चोट लगी हो या बाद में लगी हो तो वो आपको पेन देती है, पर लिवर में ऐसा नहीं है। लिवर का क्या हो रहा है? हीलिंग हो रहा है। अब लिवर में बच्चों कौन से रंग का पिगमेंट है? बिलीरुबिन पिगमेंट। पिगमेंट जो होता है वो क्या है, क्या काम करता है बच्चों? ये प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या है बिलीरुबिन का? बच्चों आप सुबह सुबह हल्के होंगे जाते हो सभी लोग कि पॉटी का कलर येलो करता है, बिलीरुबिन पिगमेंट का काम है येलो करने का काम। मैंने आपको बता दिया ये आपके फीसेस को येलो कलर देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या करता है? आपके बाइल को ग्रीन कलर देता है, गिव्स ग्रीन कलर। बाइल
बाइल क्या है बच्चों, कहाँ बनता है बाइल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया फीसिस। बाइल क्या है, बाइल जो कि कहाँ बनता है, आपके लीवर में बनता है। ये डाइजेशन में हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाइल जो है वो लीवर में बनता है और स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। पर इसका कलर अगर ग्रीन हो जाता है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, बिली बर्डिंग की वजह से। बिलीरुबिन और बिली बर्डिंग आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, यूरिन का कलर येलो किस पिगमेंट के कारण होता है बच्चों, यूरोक्लोर के कारण। हालांकि ये इससे थोड़ा हटके बताया मैंने, लेकिन फिर भी आपको स्टार पॉइंट्स याद होने चाहिए। अब हम इससे थोड़ा सा आगे इसकी नॉलेज लेते हैं। यहाँ तक का आप इसे ले देख लीजिए, लार्जेस्ट ग्लैंड है, हम इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ रहे हैं। लोकेशन क्या है, राइट साइड है, अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन कैविटी प्रेजेंट होता है। लिवर में दो सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स एंड कूपर सेल्स। दीस सेल्स डिवाइडेड मैक्सिममली, तो कौन से सेल्स डिवाइड मैक्सिमम नहीं होते और डिवाइड नहीं होते, न्यूरॉन्स। बिलीरुबिन पिगमेंट फीसेस को येलो कलर देता है, बिलीबर्डिंग क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। बाइल बाइल आपका कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। और जो बाइल है वो स्टोर कहाँ होता है, और ये फूड को डाइजेशन के टाइम कौन सा मीडियम देता है, बेसिक मीडियम देता है। इसके बाद बच्चों हम लिवर में, लिवर क्या करता है, देखिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम। ये कौन कर रहा है, लिवर। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम। मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाए थे लास्ट वीडियो में, मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि हमारे शरीर मलेरिया टॉपिक पे ये बताया हुआ है मैंने, हमारे यहाँ क्या होता है बॉडी में फूड स्टोर कहाँ होता है, सबसे ज्यादा फूड स्टोर हमारे लीवर में ही होता है। अब किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। और बच्चों ये जो लीवर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है और अमोनिया को यूरिया में चेंज कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है, फैट्स। और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए आपसे कहा जाता है ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाना होना चाहिए हमारी मील में, पर एक क्वांटिटी। तो वो ज्यादा क्यों नहीं खाना है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में चेंज कर रहा है, फैट को और ज्यादा आप फैटी चीजें खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ब्लॉकेज होगा और हार्ट अटैक के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप देखिए कि इसका नेक्स्ट वर्क क्या है बच्चों, यहाँ पे इतना आप देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि आपने सुना हो कि लीवर खराब हो गया है, कुछ लोग क्या करते हैं अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो जाते हैं तो उनके लीवर खराब होने लग जाता है अल्कोहल की वजह से। वो बंद कर देंगे अल्कोहल लेना तो उनका लीवर ठीक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके सेल अपने आप को हील कर लेते हैं। ऐसे ही अगर किसी ने पॉइजन वगैरह लिया हो तो मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर कैसे बता देता है कि किसी बंदे की डेथ पॉइजन से हुई या ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से। कैसे पता चलता है बच्चों, आपके लिवर के कूपर सेल्स चेक किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कहाँ स्टोर हो जाते हैं, अगर इनकी एक्सेस क्वांटिटी आप ले रहे हैं तो ये दोनों के दोनों कहाँ स्टोर होंगे, कूपर सेल। अब आपके लिवर के कूपर सेल्स को चेक किया जाता है तभी पता लगाया जा सकता है कि जो पर्सन है उसकी डेथ पॉइजन की वजह से हुई है, पर्सन की डेथ ज्यादा अल्कोहल की वजह से हुई है। तो इसके लिए यही चेकअप होते हैं कूपर सेल्स। आप बच्चों लास्ट टॉपिक में आपको बताती हूँ इसमें कि लिवर में और किस चीज का निर्माण होता है, किस प्रोटीन्स का होता है, फाइब्रिन हो जाता है।
प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन मैंने आपको जब ब्लड टॉपिक कराया था उसमें भी बताया था, ये ब्लड की क्लॉटिंग करने का काम करते हैं और हिपेरिन इनके जस्ट एंटागोनिस्टिक है। अगर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड के क्लॉट बना सकते हैं तो हिपेरिन ब्लड के क्लॉट नहीं बनने देता, ये ब्लड के क्लॉटिंग रोकेंगे। आप बताइए, आपकी बॉडी से जब ब्लड बाहर निकलता है तो क्लॉटिंग होती है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड बह रहा है तो क्या क्लॉटिंग फॉर्म में? नहीं, फिर तो वो फ्लो ही नहीं करता। तो आपकी बॉडी में ब्लड नहीं जम रहा है उसका कारण है इन द प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। ये भी एक स्टार पॉइंट है, इसको आप जरूर काउंट करिएगा। अब आप इसको एक बार पूरे अच्छे से देख लीजिए। एक और चीज हमने पढ़ा था कि बच्चों एम्ब्रियो में, जब एम्ब्रियो मींस व्हाट, जब बच्चा कहाँ हो, मदर की बोन में, तो क्या होता है एम्ब्रियो में ब्लड कैसे बनता है, ब्लड फॉर्मेशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम यहाँ भी ले लेते हैं। ब्लड फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो कहाँ? लिवर, स्टार्च। चलिए बच्चों एक बार हम रिकॉल लेंगे, आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ग्लैंड से। ग्लैंड क्या होती है? ऐसे ऑर्गन है जो क्या सीक्रेट्स करते हैं, स्वाइट, एंजाइम, हार्मोन्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लैंड, टाइप्स ऑफ ग्लैंड हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटरोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि क्या करती हैं बॉडी में, एंजाइम रिलीज करती हैं और ये विद डक्ट होती है और ये ब्लड के टच में नहीं आने देती हैं एंजाइम्स को। एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है जो कहाँ देगी, डायरेक्ट ब्लड में देगी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कैसे बिहेव करेंगी, एक्सो प्लस एंड दोनों का मिक्सअप बिहेव करती है, यानी कि जहां इनकी जरूरत एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड जरूरत है वहां ये एंडोक्राइन की तरह काम करती है, जहां पे इन्हें एक्सोक्राइन की तरह जरूरत है वहां ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पैंक्रियास, पैंक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है और अगर हार्मोन्स की फॉर्म में बात करें तो इंसुलिन रिलीज करने का ये काम करता है। अभी आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के तीन टाइप पढ़े हमने, नीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने अप टू डाउन पढ़े थे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, हेटरोक्राइन, पैंक्रियास एंड गोनड्स। उसके बाद हमने एक्सोक्राइन टॉपिक आज कवर किया बच्चों। एक्सोक्राइन टॉपिक में हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़ा, हमने लैक्रिमल ग्लैंड पढ़े, सेरोमिनस ग्लैंड पढ़े, हमने ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सबेशियस, म्यूकस एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज लिवर। लिवर के बारे में आज हमने बहुत सी जानकारी कलेक्ट की, जिसमें से मैं अगर स्टार माइंड बताऊं तो हमारे लिवर के सेल्स मैक्सिमम डिवाइड होते हैं, अपनी हीलिंग खुद से करते हैं, तो इसी वजह से लिवर को डैमेज जो हुआ है वो हील हो जाता है, यानी कि आपके लिवर सेल काम बहुत अच्छे से करते हैं। लिवर सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप से बता दिया मैंने, हिपेटोसाइट्स एंड कुफर सेल्स। आपने किसी पर्सन ने अगर पॉइजन खाया है और उसकी डेथ हो गई है तो उसका टेस्ट होकर कैसे पता चलता है इसकी डेथ पॉइजन से हुई है? कुफर सेल की टेस्टिंग की वजह से। आपकी बॉडी में लिवर में क्या क्या बनता है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और आपका कौन कौन सी चीज, कौन, एल्ब्यूमिनस, प्रोटीन, हिपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं बल्कि हिपेरिन ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और लिवर सेल के बारे में अगर हम जानकारी जाने तो उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट बनता है, बिलिरुबिन बनता है और आपके ये लिवर सेल इसीलिए सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया गया। आई होप आज आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे ग्लैंड्स को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को और लिवर को। थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।